हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स माय वर्ल्ड चैनल। आज मैं एक सिंपल सा मशरूम की करी बना रही हूँ। चलिए बनाते हैं, आपको दिखाती हूँ कैसे बना रहे हैं। कढ़ाई में ऑयल डाल के इसमें राई जीरा डाले और ये जब तक थोड़ा बहुत उस तरफ राइस बन रहा है, दाल बन गया है। अभी इसमें ये पीसेस डाल देंगे। ऑयल में मैंने राई जीरा डाला और पीसेस सारे डाल दिए और हल्दी और नमक डाल के इसको थोड़ी देर सॉटे करेंगे। ये हो रहे हैं तब तक हम लोग इसमें टमेटो और काजू और इसमें अदरक का भी एक पीस डाला है और इसमें हम लोग मिर्ची और धनिया पाउडर डाल के इसको ग्राइंड करके फिर इसमें मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का फ्राई हो रहा है। आलू है, इसमें कैप्सिकम है और ये मशरूम भी डाल दिया मैंने। ये साइड में हमारा टमाटो और काजू और मिर्ची और धनिया पाउडर का पेस्ट रेडी हो गया है। थोड़ा सा मसाला पाउडर भी डालिए तो अच्छा लगता है। फिर इसको इसमें थोड़ा तो पीसेस सारे नरम हो जाए तो उसमें डाल के इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसमें टमाटो और काजू का पेस्ट डाल दिया हम लोगों ने। सारे मसाले डाल चुके हैं, लास्ट में बस धनिया पत्ता डालने का ही है, कुछ नहीं। कलर देखिए कितना अच्छा आया है। और थोड़ी देर इसको बॉईल करेंगे और आपके पास हो तो आप मलाई डालिए या फिर बटर डालिए, बहुत टेस्टी लगता है। होप आप लोग अच्छा लगेगा, मैं लास्ट में कैसा है वो दिखाऊंगी और एक बार। ये देखिए हमारी सब्जी, इसमें हम लोग धनिया पत्ता, करी पत्ता डाल दिए और ये मलाई भी हम लोग डाल दिए। फिर हमारी करी बन गया है, रेस्टोरेंट स्टाइल करी। आप लोग अभी आजकल बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आपको रेस्टोरेंट स्टाइल के करी यही घर पे मिलेगी। हो गया, हमारी करी बन गया।